हेलो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में विद्युत विभव कहते हैं। क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। किसी इनफाइनाइट पॉइंट से जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर आते हैं तो उसको लाने में जो वर्क हमारा खर्च होता है, ठीक है, जो वर्क हम करते हैं उसको ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। ठीक है, वही बात देखते हुए समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज From infinite point to a specific point against an electric field, ठीक है, यही बात हिंदी में लिखी हुई है। विद्युत विभव किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, फिर इसकी यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, हिंदी में इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, V equal to KQ upon R। K क्या है, कूलम कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड कैसे करेंगे, जितना हमने वर्क किया है ना उस चार्ज पर तो Q हो गया। ठीक है, और लाइन है इनफाइनाइट पॉइंट से तो R क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई। ठीक है, वही बात यहां पर लिखी हुई है। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव। K क्या है, कूलाम कांस्टेंट है, क्योंकि कूलाम ने इनके बारे में बताया था, कूलाम एक साइंटिस्ट है। ओके, क्यू क्या है, चार्ज है, जिसे हम हिंदी में आवेश कह देते हैं। आर का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दो बिंदु के बीच की दूरी, यानी इनफाइनाइट पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम आर से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा, यही मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ओके,